दोस्तों, ये हल्दी के स्टेन हमें क्लीन करने हैं। पूरी साड़ी पर ही है, बट ये मेजर स्टेन है, आप देख लीजिए। तो इनको क्लीन करने का प्रयास हम करते हैं। दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो में। बने रहे दोस्तों इस वीडियो में, और इसमें प्लास्टिक वर्क भी है। तो दोस्तों, हम 5 मिनट में इनको मशीन में वॉश करेंगे। ब्लाउज के ऊपर भी है स्टेन और साड़ी के ऊपर तो बहुत ज्यादा है। साड़ी के ऊपर बहुत ज्यादा स्टेन है दोस्तों। तो इनको पहले तो 5 मिनट मशीन में वॉश करेंगे। ये नॉर्मल वॉश है दोस्तों, इसमें डिटर्जेंट वगैरह है, तो इसको 5 मिनट वॉश करेंगे। उसके बाद में हम यहाँ पे इसमें हम 3 छोटे ढक्कन रिनाला डालेंगे दोस्तों। ये और इसमें ये साड़ी यहां से निकालने के बाद में ये इसमें डालनी है दोस्तों। हमें 3 ढक्कन लिया है, 30 ml के आसपास होगा। अभी भी स्टेन है दोस्तों इसके ऊपर, साड़ी के ऊपर देख लीजिए। तो साड़ी को हम इसमें डिप कर देंगे दोस्तों। तो इसमें हम 10 मिनट के लिए इसको डिप करके रखते हैं दोस्तों। फिर इसके बाद में इनको खंगाल करेंगे और देखते हैं स्टेन कितने जाते हैं कितने नहीं। बने रहिए दोस्तों इस वीडियो में। तो दोस्तों, अभी साड़ी को मैं साफ पानी से खंगाल करता हूं और हाइड्रो से निकालने के बाद में आपको दिखाता हूँ दोस्तों। बने रहिए इस वीडियो में। दोस्तों, ये रही हमारी साड़ी जो 100% ड्राई हो गई है और एक भी स्टेन इसमें अभी नज़र नहीं आ रहा है दोस्तों। सभी स्टेन इससे गायब हो गए हैं और यहाँ पे कुछ मेजर स्टेन थे दोस्तों। पूरी साड़ी हल्दी की थी बट यहाँ पे कुछ मेजर स्टेन थे दोस्तों, बट अभी 100% स्टेन क्लीन हो गए। मैं थोड़े उजाले में दिखाता हूँ आपको। और ये ब्लाउज़ है जिसके ऊपर भी हल्दी के स्टेन थे दोस्तों। तो दोस्तों देख लीजिए, 100% स्टेन क्लीन हो गया दोस्तों। और इसमें मैंने जो रिन आला यूज़ किया है ना, वो घर पर यूज़ तो कर सकते हैं बट साड़ियों पे नहीं यूज़ करना है दोस्तों। वाइट कपड़े हो तो यूज़ करना है, ये सिंथेटिक है तो इसी वजह से मैं इसके ऊपर यूज़ कर पाया। बाकी दूसरी साड़ियों पर चलेगा या नहीं चलेगा रिन आला, मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ दोस्तों। अगर एक्सपेरिमेंट करेंगे तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर कीजिए, क्योंकि डैमेज भी हो सकता है दोस्तों। तो बस ये वीडियो यहीं तक थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर कीजिए, और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए। नीचे लाल कलर का बटन है उसको क्लिक कर देना, उसके बाद में बेल आइकन आएगा उसे भी क्लिक कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। धन्यवाद दोस्तों। और एक इंपॉर्टेंट टिप, सिल्क वगैरह हो, कॉटन हो, जिसके ऊपर आप रिनाला वगैरह ट्राई नहीं कर सकते हो, तो उनको धूप में सुखाना चाहिए उल्टा करके, तब जाके हल्दी के स्टेन बहुत अच्छे से कम होते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। धन्यवाद दोस्तों। इम्पोर्टेंट लॉन्ड्री के जो प्रोडक्ट होते हैं ना, जो मैं ऑनलाइन मंगवाता हूँ या मेरे नॉलेज में है कि ये सबके लिए यूज़फुल होंगे, तो उसकी ऑनलाइन बाय लिंक हमेशा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूँ, तो जाके आप बाय कर सकते हैं।
चेक कर सकते हैं और बाय कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। धन्यवाद दोस्तों।